हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम करने जा रहे हैं मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और मेथड और एलिमिनेशन मेथड। हमारे पास है ये चैप्टर थर्ड में, 10th क्लास चैप्टर थर्ड में। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड। x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। सब्स्टिट्यूशन मेथड, x की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन से फाइंड आउट कर लेंगे, 6 माइनस 3 वाई। ये जो x की वैल्यू हमने फाइंड करी 6 माइनस 3 वाई, वो सेकेंड इक्वेशन में हम पुट कर देंगे, 2x माइनस 3 वाई इज इक्वल टू 12। ये जो x की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड की वो यहाँ पे पुट कर ली जाएगी, सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से फाइंड करके सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूशन कर दी जाएगी, 2 6 12 माइनस 6y माइनस 3y इज इक्वल टू 12, माइनस माइनस प्लस, माइनस 9y प्लस 12 उधर आके माइनस 12, 12 माइनस 12 जीरो, 0 अपॉन माइनस 9, तो y इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू अब हम जहाँ पे हमने वैल्यूज पहले x की निकाली थी वहीं पे पुट कर लेंगे, x इज इक्वल टू 6 माइनस 3 इंटू 0, 6 माइनस 0, देन x की वैल्यू 6, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 6 बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब यही वैल्यूज हम एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे। एलिमिनेशन मेथड में x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। इसमें बहुत सिंपल होता है, सबसे सिंपल यही मेथड होता है एलिमिनेशन मेथड। x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। इसमें बहुत सिंपल है, x का जो 2 है इसे ऊपर मल्टीप्लाई कर लीजिए, x का ये जो 1 है कोफिशियंट वो नीचे मल्टीप्लाई कर, 2 को x से मल्टीप्लाई किया, 2x, 2 3 जा 6y, 2 6 जा 12, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। नाउ वी हैव टू सब्ट्रैक्ट इट, माइनस प्लस माइनस, ये साइन चेंज कर लो, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, 2x 2x कैंसिल, 12 12 भी कैंसिल, 6y और 3y 9y इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 अपॉन 9, देन y की वैल्यू 0। ये जो y की वैल्यू 0 है वो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, y इज इक्वल टू 0, पुट y इज इक्वल टू 0 इन फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं एंड फर्स्ट इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं, दोनों में सेम ही वैल्यू आएगी, x प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 6, x प्लस 0 इज इक्वल टू 6, देन x की वैल्यू 6, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 6। इसमें भी यही आया था, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 6। नाउ कंप्लीट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। इसमें जो ट्रिक चलती है उसका नाम होता है 2312। 2312 हिंदी में कह सकते हैं 2312, और उसका 2312, और ऐसे भी बोल सकते हैं इंग्लिश में BCAB। तो यहाँ पे x y माइनस 1, सबसे पहले जैसे इसकी वैल्यूज होती है, x का कोफिशियंट यहाँ पे 1, इधर x का कोफिशियंट 2, इधर x का कोफिशियंट, y का कोफिशियंट 3, इधर y माइनस 3, इधर 6 और ये 12। ये जो कोफिशियंट है जो बीच, ये फर्स्ट वाली वैल्यू 1, सेकंड वाली 2 और ये वाली 3, तो उसी हिसाब से ये वाली वैल्यू, उसी तरीके से ये वाला वैल्यू 2, पहले 3 माइनस 3 पुट कर लो, थर्ड वाले में 6 12, 1 वाले में 1 2, फिर 3 माइनस 3, पहले सेकंड वाली वैल्यू पुट की, ये वाली जैसे फार्मूले में है 2, यहाँ पे पुट कर दिया, उसके बाद 3,
थ्री वाली वैल्यू 612 वो यहाँ पे पुट कर ली, फिर 1 वाली वैल्यू 12 यहाँ पे पुट कर दी, फिर 2 मतलब 3 और माइनस 3 वापस पुट कर दिया। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए पहले यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लाई करना है, 12 थ्री जा 36 माइनस, फिर इसकी मल्टीप्लाई 36 जम ये माइनस 18, माइनस जरूर लगाना है बीच में, इसका 62 जा 12, फिर माइनस 12 वन जा 12, 3 वन जा 3 माइनस 6 एक्स 36 अपॉन प्लस 18 वाई अपॉन 0 माइनस 1 अपॉन माइनस 9 माइनस माइनस कैंसल, एक्स अपॉन 54 वाई अपॉन 0 1 अपॉन 9। इसमें ये जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको एक्स के इक्वल लिख लो, एक्स अपॉन 54 1 अपॉन 9 वाई अपॉन 0 इक्वल टू 1 अपॉन 9, दोनों को कांस्टेंट को एक्स के इक्वल भी लिख लो और वाई के इक्वल भी लिख लो। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके 9x इज इक्वल टू 54, एक्स आ गया 54 अपॉन 9, एक्स इज इक्वल टू 6, इसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 9y इज इक्वल टू 0, वाई आ गया 0 अपॉन 9, वाई इज इक्वल टू 0। तो तीनों मेथड से वैल्यूज वही आई, सब्स्टिट्यूशन मेथड से x की वैल्यू 6, y की 0, एलिमिनेशन से भी x की वैल्यू 6, y की इज इक्वल टू 0, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से भी x इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा अब सेकेंड चैप्टर में जो मेन है, तीनों मेथड सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये हमारे आज पूरे होते हैं। अब अगले में हम मीन मीडियन मोड